वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस पर ऑर्डर कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस पर ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेंगे सिंपली यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है फ्लिपकार्ट। जैसे सर्च करेंगे ये ऐप आ जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करनी है ऑर्डर करने के लिए। जैसे ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से कोई भी शॉपिंग करने के लिए या कोई भी ऑर्डर करने के लिए अपना अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए जैसे ही ऐप ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपकी जो भी लैंग्वेज है उस पर टिक सेलेक्ट करनी है, फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, जिस मोबाइल नंबर से यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं मेरे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक ओटीपी कोड आएगा। उस ओटीपी कोड को सिंपली यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उस ओटीपी कोड को यहाँ पर डालना है, फिर वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ से आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी शॉपिंग करने के लिए, कोई भी यहाँ पर बाय करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएंगे। जो कभी बाय करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे उसके बाद में ऐसा एंटर पे जा जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जो भी लोकेशन है उसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ऐसा एंटर पे जा जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ से जो को भी बाय करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एंटरपेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं बाय नाउ का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो भी साइज है उस साइज को सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यू क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वॉलेट, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता हूँ, मैंने कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक किया। प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे कन्फर्म ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आपका जो भी ऑर्डर है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो भी ऑर्डर था वो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस पर कुछ इस प्रकार से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस पर कुछ इस प्रकार से शॉपिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना।